sa vidya tan materyaya. राष्ट्रीय सेवा योजना का वहाँ पे शिविर लग रहा है, आइएगा सब लोग, उद्घाटन हो रहा है। हम कृपालु महिला महाविद्यालय से आए हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर लगा हुआ है सरकारी स्कूल के पास, आप तो चलिए उद्घाटन दे, जल्दी आइए। आएंगे वहाँ स्कूल में जो यहाँ पे है ना, वहीं पे मंदिर के पास, मंदिर के पास उनके पास चलो, वहाँ पे अभी 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 चलिए आप महाविद्यालय चलिए, जो सरकारी स्कूल नहीं है यहाँ भी मेरा उद्घाटन होने चल रहा है एनएसएस का, अभी चलिए हम लोग के साथ चलिए, आइए आप भी आइएगा, आप भी आइएगा। हाँ यार दादाजी हम लोग कृपालु महिला महाविद्यालय से आए हुए हैं, ये जो है नहीं सरकारी स्कूल, ये हम लोग का एनएसएस का कैंप लगा हुआ सिविल, चलिए अभी उद्घाटन होने चल रहा है। मैं कृपालु महिला महाविद्यालय कुंडा प्रतापगढ़ में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर के प्रथम एवं द्वितीय इकाई स्वयं सेवी छात्राओं समेत आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हम सभी के लिए परम सौभाग्य की बात है कि आप सभी विशेष शिविर के उद्घाटन समारोह में पधारे हैं। मैं मुख्य अतिथि महोदया जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि परम पूज्य ज्ञान गरिमा मार्तंड श्री महाराज जी का माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। Yo, not
बाबा के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो जैसे हमारे घर लुट गया वैसे आपो सजनी के लुट जाए, यही लिए आप सजनी इंसान ढोंगिन बाबा के चक्कर में ना पड़ी है। धन्यवाद। स्वयं सेवक की जहां संकल्पना भारत में की गई वो कुछ उद्देश्य को लेकर के की गई थी, शायद इसकी परिकल्पना इस उद्देश्य को लेकर की गई कि जब कभी भी हमारे राष्ट्र में ऐसा कोई भी संकट आता है या फिर ऐसी कोई परिस्थिति आती है जहां हमें ऐसे वॉलेंटियर्स की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हमारे भारत देश में विभिन्न ऐसे छोटे छोटे संस्थानों की स्थापना करने का प्रयास किया गया है, जिसमें से NSS राष्ट्रीय सेवा शिक्षा से संबंधित स्वयं सेवक संघ की स्थापना की गई, और इन स्वयं सेवकों को इसलिए तैयार किया गया ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी परिस्थिति हमारे देश में उत्पन्न होती है तो हमें तत्काल में ऐसे वॉलेंटियर्स मिल जाए जो हमें पूर्ण सहयोग प्रदान कर दें। साथ ही ये कृपालु महिला विद्यालय की बालिकाएं आई और इस तरह से ऐसा मंचन कार्यक्रम दिखाया जिससे कि हमारे समस्त ग्रामवासी जो कि अंधविश्वास में डूबे थे, यहाँ तक कि जो साधु सन्यासी आकर वो ठगी ठग ले जाया करते थे, उससे बचने के उपाय बताया, साथ ही साफ सफाई और अनेक प्रकार के जो आज व्याधियाँ होती हैं, रोग हुआ करते हैं, किन कारणों से होते हैं, उनसे बचने का सारा प्रभाव बताया, जिससे कि हमारे गाँव के समस्त ग्रामवासी बहुत ही प्रभावित हुए। साथ ही साथ हमारे विद्यालय की जो बच्चे थे उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा और सीख करके बराबर आगे बढ़ने की प्रक्रिया में अपना सहयोग देते रहने का भी संकल्प लिया। कृपालु महाविद्यालय के छात्राओं ने हमारे गांव ग्राम सभा अघिया में आकर बहुत सी महिलाओं से मिला और साफ सफाई की बातें बताई और बहुत सी साफ सफाई के बारे में बताया गया और उन पर कुछ प्रभाव काफ़ी औरतों पे पड़ा। इस बार हमने 7 दिवसीय विशेष शिविर के लिए ग्राम सभा अघिया के 2 गांव का चयन किया है, ग्राम हरिजन बस्ती और पटेल का पूर्वा पाल का पूर्वा। 7 दिन का इस ग्राम सभा की समस्याओं को आकलन करके मूल्यांकन करके हमने 7 दिन का कार्यक्रम रखा है, जिसमें पर्यावरण जागरूकता, जनसंख्या वृद्धि विरोधी रैली, साक्षरता अभियान, नारी सशक्तिकरण पर हमारे कार्यक्रम इस 7 दिनों में संपन्न होंगे। हमारी स्वयंसेवी छात्राएं गांव में जाकर के ग्रामीणों से संपर्क करेंगी, ग्रामवासियों को शिक्षा के बारे में, जनसंख्या वृद्धि का समाज पर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में, आज पर्यावरण में जो असंतुलन फैला हुआ है क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है, कैसे हम निवारण कर सकते हैं, ग्रामवासियों को जाकर के समझाएंगे। सुनो, 6-7 लड़के आ गए, उत्साह तुम आओ।